अब्दुल अब्दुलवाज साहब ये जानना चाहते हैं कि इमाम महदीदी के बारे में आया कि वो खाना क़बा में हूर करेंगे मगर मिर्जा साहब तो हिंदुस्तान के गाँव कादियान में पैदा हुए हम ये पहले भी कई दफ़ा ये सवाल मुख्तलिफ रंगों में सामने आता रहा है और हम बात करते रहे हैं कि इमाम महदी आ मतलक और उनके जहूर से मुतल जो रिवायात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और बहुत मुख्तलफ भी उनमें बाहमी तजाद भी पाया जाता है बहुत सारे तनाक़ हैं मसला ये बयान कर रहे हैं कि ये बयान किया जाता है कि वो मक् में जाहिर होंगे मक् में पैदा होंगे ये भी कहा रवायात में बयान किया गया है कि वो तहामा से जाहिर होंगे ये भी बयान किया गया है कि वो मक् में पैदा होंगे और फिर मदीना जाएँगे ये भी कहा गया है कि वो उनका दौलत बिलाद मगरब है और ये भी कहा गया है कि मादी हिजात से आएगा और दमश की तरफ जाएगा अब इन बातों को और ये भी कहा गया है ये भी रिवायत है कि जब मादी जो है वो एक ऐसी बस्ती से ज़ाहिर होगा जिसे कदा कहा जाएगा तो ये जब बहुत सारी जब रवायात हैं तो फिर उनकी छान पटक करनी होगी और जब तक तमाम रवायात को इकट्ठा करके आप यकजाही तौर पर नज़र नहीं डालेंगे आप किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सकेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो के वो इर्शादात भी सामने रखने चाहिए जिसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसा इब मरीम को और इमाम महदी को एक ही वजूद करार दिया है ये भी सामने रखना चाहिए कि वो उसके लिए हजरत सल्ला वल्म ने बस और अलामतें भी बयान फरमाई हैं जहाँ पर यह भी फरमाया अपने नाम के उसका नाम मेरे बा नाम की तरह उसके बाप का नाम मेरे बाप के नाम की तरह होगा तो जब तक ये सारी बातें आप इकट्ठी करके यकजाई नज़र नहीं डालेंगे उस वक़्त तक आप किसी सही नतीजे पर नहीं पहुँचेंगे वरना यह मसला इसी तरह का इसी तरह अटका रहेगा आ हज़रत सल्ला हमारा ये इत है और अभी इससे पहले एक रिवायत आखिर इनम लम्बा याकूब वाली आयत की तफसीर के ज़मन में मौलान हमीद कौसर साहब ने बयान की कि नबी अक्रम सल्ला वसम ने यह इरशाद फरमाया कि जब जमाने से ईमान उठ जाएगा तो सलमान फ़ारसी की नस्ल से कुछ ऐसे लोग होंगे यानी अरबी नहीं होंगे अजमी होंगे जो एक या ज़्यादा जो ईमान को सरैया से वापस लाएँगे और उसके आने को गोया रसूल सल्ला वसम ने अपना आना करार दिया है इस आयत की रोशनी में अब बात यह है कि हजरत मिर्ज़ा साहब का जहाँ तक ताल्लुक है आपने फ़रमाया कि मैं वो माह इमाम माही हूँ जिसके बारे में रसुल्ला वसम ने फ़रमाया कि वो मसीब ने मरियम भी होगा मैं वो शख्स हूँ जिसके बारे में रसुल्ल व सुरह जुमह की उस आयत के हवाले से जब सवाल किया गया तो हजरत सलमान फारसी के कंधे पर हाथ रख कर फरमाया था कि जब ईमान सुरैया पर चला जाएगा तो इसकी नस्ल में से कुछ लोग होंगे एक शख्स होगा या कुछ होंगे जो ईमान को सरैया से वापस लाएँगे अब और आप ये दावा फरमाते हैं कि मैं वो इमाम मादी हूँ और बसीबन मरियम हूँ जिसके बारे में रसोलसम ने फरमाया कि वो सलीब को तोड़ेगा खनजीर को कत्ल करेगा मजहबी जंगों का खात्मा करेगा वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें एक थोड़ा सा ये भी बताते चलें कि ये जो सूरज जुमा की आयत है जिसकी तशरी तो बयान फरमाते हुए वसूल फरमाया कि जब यमानसूरिया पर चला जाएगा तो इसमें इस हिस्सा कि ये क्या तशरी करते हैं क्योंकि ये कहते हैं ना इसको मतशा हाथ के तौर पर ना लें इसको कतई तौर पर लें तो इसमें जब जो जो, जो हदीस का ये हिस्सा है कि ईमान सरैया पर चला जाएगा इससे क्यों नहीं ये समझ सकते कि ये अलामती ज़ुबान में बात हो रही है ज़ाहिर है सुरैया पे जाना इस तरह ईमान कोई ऐसी मादी चीज़ तो है नहीं कि किसी सीयारे पर बैठ के उसने कहीं ऊपर जाना है और फिर सुरैया तक जाना अभी तक तो नहीं कोई पहुँच सका आज की जदीद साइंसी तहकीकत जो और के तजरब हो रहे हैं तो बात यह है ये सारे रूहानी मजामी को अगर आप मादी तौर पर इतलाक़ करने की कोशिश करेंगे तो आप किसी आप हदायत को नहीं पा सकेंगे हमारे इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि कुरान मजीद और अदीस नबी सल्ला वम को सामने रख के उनकी रोशनी में ये जो मकसद है कि ईमान को दुनिया में कायम किया जाए उसके लिए जिस शख़्स ने आना है उसकी तयन करें उसको उसकी अलामतों से पहचानें अगर ज़ाहरी नाम के पे जाएँ तो आपको याद होगा कि पिछली कुछ दहाइयाँ पहले खाना काबा में एक शख्स ने मैदी होने का दावा किया और उसने यह कहा कि मेरा नाम मोहम्मद है मेरे बाप का नाम अब्दुल्ला है और मैं वो इमाम आदि हूँ और उसका जो हशर हुआ वो सबके सामने है क्योंकि उसके साथ वो आसमानी तइदात नहीं थी हजरत मिर्ज़ा साहब ने अपने हक में हजरत सल्ला वसलम की उन, शा, उन शादात की और कुरान मजीद की रोशनी में जो तशरी और तफसीर और तबीर बयान फरमाई है वो नहायत ही पुरिकमत है और उन रसूल सल्ला वसलम की अज़मत को ज़ाहिर करने वाली है कुरानी करीम की सदाकत को ज़ाहिर करने वाली है और आपके हक में आसमानी निशाना भी हैं ज़मीनी निशाना भी हैं अल्लाह ताली की नुसरत और तइदात भी हैं ये सारी बातें अगर आप इस रंग में नहीं देखेंगे तो आप कभी भी सही मंजिल को नहीं पा सकेंगे इसलिए मैं ये दरख्वास करूँगा कि ऐसी रवायात को बस एक एक रवायत को लेकर अगर आप उस पर इतफ़ा करके बैठ जाएंगे तो फिर आपको सही नतीजे पर पहुँचना बहुत मुश्किल होगा ये रूहानी मजमून है कुरान की रोशनी में हज़रतल वसलम के मुख्त इर्शादात की रोशनी में उनको समझें अब जब मसीह ने मरियम और इमाम मादी इमाम मादी को ही मसीह ने मरियम भी फरमाया दूसरी जगह यह भी फरमाया कि वो दमश के मनारे के शर की जानब उतरेगा अब फिर बैक वक्त ये सारी बातें कैसे सबित हो सकती हैं कि वो मक् में भी ज़ाहिर होगा और फला जगह भी ज़ाहिर होगा और फलां जगह भी जाहिर होगा जमात अहमदिया जो नुक़ँ नगह पेश करती है उसके नतीजे में अल्लाह ताली की फजल से इन सब रिवायात की अदीस की एक बहुत ही खूबसूरत तदबीक सामने आती है और मजमून जो है वो पूरी तरह खुल जाता है बाद जाए हाँ, हाँ, तो बड़ी अजीब सी दिलचस्प सूरत हाल बनती है अगर आगे उसके अगले से ने फरमाया कि माँ मैं फिर उसको वापस लेके आएगा अगर ज़ाहरी तौर पर उसने जाना है अगर वो तो वो, लेते वो वो नहीं मैं करने लगा ने? कि अगर वो ज़ाहरी तौर पर जाना मुराद लिया जाए तो इमाम महदी उसको लेने के लिए जाएगा ना ले कर फिर वापस आएगा तो अगर रोशनी की रफ्तार से वो सफ़र करे आप जानते हैं रोशनी की क्या रफ्तार है तो उसको कायनात के वस तक पहुँचने के लिए तकरीबन एक मिलियन साल दरकार होगा ये आज की साइंस ये कहती है यानी एक मिलियन जाने के लिए और एक मिलियन वापस आने के लिए इसका मतलब कि दो मिलियन साल तक के लिए तो हमें कोई उम्मीद नहीं किसी बात की बिल्कुल कैसी मजह का खेस बात है, बनती है ये कैसे हो सकता है कि नबी गिनको कलम दिए गए थे वो का शहजादे थे बादशाह थे वो ऐसी बात करें जिसका जिसको स्वाइस के नवजुबिल्ला बिन के सूरत पैदा हो सके और ये हो नहीं सकता था जो इंतहा का नाम है उसकी वो तशरी ना करें जो गली मोहल्लों के मौलवियों ने कर दी हुई हैं आपने तो बड़ी पुरिकमत और बड़ी पुर पुरमारफ गुफ्तु फरमाई जो भी फरमाई तो उसको उस हिसाब से देखना चाहिए वो इस बात पर मुसरें कि आसमान से उतरना है तो लिटरली आसमान ही से आए लेकिन सुरैया पे जाने को वो इसी मानने के लिए तैयार हैं गई रंग में बात हुई है तो